इसके लिए तुम्हारा भाई ना एक ऑक्सिलरी लाइट और लेके आया है, उसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा इस गाड़ी में। जो इसका इंटीरियर था ना वो भाई ने पूरा खोल दिया है। देखो अब ना मतलब ये है कि आराम से अंदर जो मुझे पार्टीशन बनाने है या कुछ भी करना था उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। तो फिर कल इसमें भाई वो चूल्हे वाला सिस्टम लगाना है, पानी का सिस्टम करना अंदर बढ़िया। और बाहर ना यार मेरे को एक्स्ट्रा डीजल के लिए सिस्टम चाहिए जो जेरिकैन। बहुत बढ़िया। जिन भाई को मैंने टेल लाइट बनने दी हुई है अभी तक उनका कुछ रिस्पांस नहीं आया, उनके साथ भी कोई मसला हो गया। अब मैंने नेट टोटली गाड़ी से मतलब 4 लाख रुपए की खरीदी है। गाड़ी में नंबर भी VIP है, 2011 मॉडल है, 52,53,000 चली हुई है जानवर, देखना 5,000 नंबर है गाड़ी का। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है आपका एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारे चैनल पे और हमारे गैरेज में। भाई थोड़ा ना ज्यादा तबियत खराब चल रही तुम्हारे भाई की, तो इसलिए थोड़ा व्लॉग में ढीलापन दिख सकता आज तुम्हें, बाकी वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहाँ ढीलापन आने देंगे। बाकी भाई देखो खड़ी है तुम्हारे भाई की यहाँ पे अपनी थार। आज ना एक्चुअली क्या है, लड़के आ ही नहीं रहे और क्या कहते हैं भैया दूज बनाते हैं सारे अलग अलग, वो है ना फिर उसके बाद परवा होता है कुछ, वो भी बनाते हैं। मैं तो सिर्फ वो दिवाली और विश्वकर्मा पूजा मनाता हूँ, भैया दूज हमने मनाई नहीं कभी। बाकी भाई यही है, यहाँ खड़ी है तुम्हारे भाई की फॉर्चुनर। आज भाई वीडियो इसी चीज पे आएगी, फॉर्चुनर ना एक्चुअली क्या है देखो सारे ट्रिप पे लेके निकल रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, अभी निकलने वाले हैं, मतलब नवंबर का ही महीना होता है जब लोग लेके निकलते हैं। लेकिन मैं कभी ऐसे ओवरलैंडिंग ट्रिप या ऐसी किसी ट्रिप का मैंने एक्सपीरियंस करा नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो ना मैं सोलो करना चाह रहा हूँ, पहले किसी के साथ नहीं, अभी करूंगा के साथ भी करूंगा लेकिन पहले सोलो करके देखना है। तो मैंने सोचा एक बार पहले कहीं छोटी जगह ले तो जाऊं अपनी गाड़ी को। इसके लिए मेरे को क्या करना है, ट्रिप करनी है इस पे ओवरलैंडिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये जो फॉर्च्यूनर है ना आज इसका ये कवर उतरवाते हैं, इसकी जो पीछे की दोनों सीटें है ना मतलब डिग्गी वाली और बीच वाली, वो सारी सीटें उतरवा के रखवा दूंगा अंदर, और अंदर रखवा के पीछे भाई लेंगे गद्दा उद्दा डलवा देंगे और उसमें करेंगे भाई ओवरलैंडिंग, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिप जैसे उत्तराखंड वगैरह के मारा है जरा, फिर उसके बाद पता चल जाएगा क्या गाड़ी एवरेज दे रही है, किस तरीके का परफॉर्म कर रही है बड़ी जगह लंबी जगह में, ठीक है। तो एक वो करना मुझे। बात करें गाड़ियों की तो भाई यहाँ तुम्हारे भाई की बलिनो खड़ी है, यहाँ तुम्हारे भाई की। अब मैं तुम्हें इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ, बड़े लोग पूछते थे भाई ये मर्सिडीज काफी टाइम से ऐसे खड़ी रहती है, ये वो भाई ये गाड़ी थी एक्सीडेंट, काफी टाइम से तैयार करनी थी लेकिन ये तैयार हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि 2-3 बंदे बीच में पड़े हुए थे इस गाड़ी के, भेजी मेरे पास थी लेकिन वो हुई नहीं, उसके बाद ये किसी और के पास भेजी, कोई बंदा मीडिएटर आया तो उससे भी नहीं हुई, फिर ये खड़ी थी। फिर आखिरी में मैंने से बात करी कि भाई मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ इसकी पार्टली करके और इसे मैं परचेस कर लेता हूँ, क्योंकि यार गाड़ी 50,000 चली हुई है, गाड़ी सिर्फ 50,000। अब मैंने कहा यार VIP नंबर है मतलब, और गाड़ी बहुत अच्छे रेटों में मेरे को पड़ रही है, मैं कहा ले लेते हैं क्या जा रहा है। अब मैंने नेट टोटली गाड़ी से मतलब 4 लाख रुपए की खरीदी है, गाड़ी में नंबर भी VIP है, 2011 मॉडल है, 52,53,000 चली हुई है जानवर, देखना 5,000 नंबर है गाड़ी का, और क्या चाहिए। और 50,000 चली हुई मर्सिडीज की वैल्यू आपको बताई है। एक्चुअली क्या है, जिस बंदे के पास ये खड़ी हुई थी उसने इसका थोड़ा सा ज्यादा ना स्पीड दिया, गलती उसकी भी कह सकते और नहीं भी कह सकते, क्योंकि बीच में जो ठीक कराने वाले थे उन्होंने थोड़ा सा डील भी दे दी, एक बंदे के पैसे भी डूब गए, मतलब बहुत सारी चीज हुई इस गाड़ी के साथ, तो खड़े खड़े खराब हो रही थी। मैंने फाइनली बात करी कि भाई पार्टली करके मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा, खड़ी रहने से तो बढ़िया, 2 साल से मेरे पास खड़ी चढ़ रही है, तो मैंने कहा यही सही है। फिर मैंने इसको रेडी कराना शुरू कराया अभी थोड़ा बहुत, बाद में इसमें देखते हैं किट डालेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी के लिए तो यही है कि ये तुम्हारे भाई की है और इसको रेडी करके चलाएंगे मस्त। भाई अभी मैंने इसमें कुछ नहीं कराया, ड्राई क्लीन कराई है, अगला शीशा डलवाया है, मैकेनिकल बहुत सारे थोड़े काम कराए हैं, वो सारी चीजें एक करके एक्सप्लेन करूंगा, अभी बहुत सारे ना इंटीरियर में भी काम बचे हुए हैं। अगला शीशा इसका 15,000 रुपए का है, अभी डलवाया है जो मुझे पता चला है, पूरी एक बंदे की सैलरी की जेब खाली हो जाती है, ठीक है। सही है भाई, एक हमारे पास ये बलिनो तो है, इससे मैं कभी परेशानी नहीं हो सकता, एक फिर मर्सिडीज हो जाएगी, एक बाहर खड़ी हमारी फॉर्च्यूनर तो है ही, और एक थार जो हमारे पास हो जाएगी, और प्लान कर रहा हूँ स्कॉर्पियो का, देखते हैं बजट बनेगा तो स्कॉर्पियो भी एक खरीद लेंगे, देखते हैं क्या बनता है। स्कॉर्पियो का मेरा बड़ा मन है बहुत टाइम से ही, और दिल तो यही है कि अगर बजट बन गया ब्रांड न्यू शोरूम से नहीं स्कॉर्पियो निकलवा लेंगे, वो होगा मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में, देखते हैं जैसा भी बनता है, क्योंकि अभी भाई इसकी मेरी बलिनो की और थार की किस्तें भी चल रही है ना, इनको तो मैंने 3-3, 4-4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर खरीदा हुआ, तो ये है वो तो नहीं खरीदी थी, ये सेकंड हैंड खरीदी थी, तो इसको भी कराना है बाद में, और गाड़ियों का जैसे भी है देखेंगे। अब भाई इसको खाली कराना शुरू करते हैं, कवर ओवर उतरवाता हूँ, साफ रहती है कवर में, इसलिए कवर एक बार महंगा मंगा के मैंने छुट्टी करी थी। तो भाई इसे अंदर तो ले आए, अब क्या कर रहे हैं भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, अब इसकी जो ये सीटें है ना इस सीटों को करेंगे आगे, मतलब ये वाली सिर्फ आगे की 2 सीटें रहेंगी, चाह तो मैं ये भी रहा था कि शायद ये आगे वाली सीट भी हटा दे, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं ये पीछे की 4 सीटें जितनी भी है ना ये उतार के इसको
तरीके से कमरे में रख दूंगा अपने स्टूडियो में, और ये सीटें उतार के इसके बाद नीचे का सिस्टम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आज भाई इसकी सीटें उतर जाएं, बस ये सीटें उतरेंगी तो फिर कल इसमें भाई वो चूल्हे वाला सिस्टम लगाना है, पानी का सिस्टम करना अंदर बढ़िया। और बाहर ना यार मेरे को एक्स्ट्रा डीजल के लिए सिस्टम चाहिए जो अभी काम ना आए, मुझे पता है अभी तो मैं 200-300-400 किलोमीटर की ट्रिप करूंगा उसमें तो क्या ही काम आएगा, लेकिन बाद में जरूर वो काम आएगा। उसके लिए ना मेरे पास क्या पड़ा है, यहाँ पड़े भाई जेरिकैन, बहुत बढ़िया। चलो भाई ये जेरिकैन पता नहीं कब के लाके रखे हुए थे मैंने, ये डीजल के हैं, इसके अंदर 20 लीटर डीजल आ जाता है, तो ये भी अपनी फॉर्चुनर में अब कहीं लगाना है, अब देखते हैं कहाँ लगाते हैं। बाकी सीटें खुलनी चालू हो चुकी हैं तो मैं सीटें दिखाता हूँ। ये सीटों के जो तो प्लास्टिक है ना संभाल देना, ये ठीक है भाई, ये संभाल के मैं अपनी जगह रखूंगा, उसके बाद कौन कहाँ रख रहा है उसका नहीं कह सकता भाई, मैं तुमसे पूछूंगा तुम संभाल के रख देना। बस सुनो तुमने सिर्फ ये चार सीटें उतारनी है, ये चारों सीटें उतार दो, इनको तहस नहस बाद में करेंगे, इनको यहाँ से निकालो, नीचे डालेंगे इसमें गद्दे वद्दे और बाकी बात की देखेंगे। मेरे को नहीं बिठाना अभी पीछे किसी को, अभी मेरे को सिर्फ गाड़ी को लेके जाना है लॉन्ग ट्रिप पे, ठीक है जो बात है। और हाँ इसके लिए ना, इसके लिए तुम्हारा भाई ना एक ऑक्सिलरी लाइट और लेके आया, तो कल मैं तुम्हें उसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा इस गाड़ी में, जो कि मेरे स्पीति के ट्रिप और हर चीज जितने भी ट्रिप्स होंगे उसमें बहुत काम आएगी। वैसे वाली इसमें लगाते हैं ना, इसमें बढ़िया रहेगी वो, क्योंकि यहाँ देखो जगह भी बनी हुई है, यहाँ पे लगाएंगे। उसकी इंस्टॉलेशन मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा, बहुत ही तगड़ी नेक्स्ट लेवल की है भाई वो जो लेके आए ऑक्सिलरी लाइट। एक लाइट 3000 रुपए की है, बाहर तो पता नहीं कितने हजारों की बेचते हैं वो, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें सारे पैसे बताएगा तसल्ली से। तो भाई फाइनली गाड़ी का ना जो इंटीरियर है वो तो खुलवा दिया है, अब बढ़िया हो गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सीन ओके सॉर्टेड है बिल्कुल। जो इसका इंटीरियर था ना वो भाई ने पूरा खोल दिया है, देखो अब ना मतलब ये है कि आराम से अंदर जो मुझे पार्टीशन बनाने है या कुछ भी करना था उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। तो आज इसको मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बाकी जो बाकी सारे काम है वो धीरे धीरे कराएंगे, क्योंकि इसमें जैसे अब सीट वीट उतरवा ली इतना ही काम छुड़वा सकता हूँ गाड़ी में, दूसरों की गाड़ियाँ भी होनी है ना तो वो भी हो रही हैं, तो इसलिए ज़्यादा अपनी गाड़ी में नहीं लगवाता। छोड़ो अब ये इतना ही छोड़ते हैं आज के लिए, मैं इसमें सोच रहा हूँ ऑक्सिलरी लाइट लगवाने के लिए। अब ऑक्सिलरी लाइट ना मेरे को ऐसी चाहिए कि ज़्यादा शो भी ना हो और लग भी अच्छी जाए, तो मैं इसके लिए दो ऑक्सिलरी लाइट अलग तरीके की लेके आया हूँ, लाया तो मैं ऐसी हूँ ताकि मैं दूसरी गाड़ी में भी प्लेस कर सकूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा कल। कल इसकी ऑक्सिलरी लाइट की प्लेसमेंट करेंगे और कल इसके जेरिकैन की जगह देखनी है। बाकी कुछ सजेशन आप भी देना कि जो अंदर पार्टीशन वगैरह करने हैं, अंदर बेड वेड लगाना है, उसमें क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। एक दिल्ली की फेमस शॉप है एक दो जो मैंने यूट्यूब पे देखी है जिनमें भाई कैंपिंग का सामान मिलता, तो वो सामान भी सारा लेके आएंगे, थोड़ा बहुत ही लाएंगे लेकिन ऐसा लेंगे कि भाई गाड़ी में स्टे बढ़िया हो जाए अपना। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है ही अपनी, बाकी भाई इससे क्या होगा, एक छोटी ट्रिप जो होती है ना उससे कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई अपनी गाड़ी कितना कैपेबल है, जितनी भी वो कैपेबल है हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी तो यही है, आज भाई इतना ही रखते हैं, गाड़ी को यहीं खड़ी करके छोड़ देंगे आज, थोड़ी बात साफ सफाई अच्छे से हो जाएगी और फिर इसको साफ सफाई करवा के अच्छे से फिर कवर डलवाएंगे इस पे। कल तो भाई इसकी ऑक्सिलरी लाइटें फिट होनी है, और बाकी भाई जिन भाई को मैंने टेल लाइट बनने दी हुई है अभी तक उनका कुछ रिस्पांस नहीं आया, उनके साथ भी कोई मसला हो गया, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं टाइम देते हैं, भाई अपना टाइम दे रखा है, अब देखते हैं कब वो मेरे को टेल लाइट सौंपते हैं इसकी, कह तो रहे हैं 2-3 दिन में भाई डन हो जाएंगी। बाकी भाई हेडलाइट का रिस्पांस तो A1 है और फॉग लैंप वगैरह सब DRL वगैरह सब बहुत बढ़िया, बस ये है कि चला तो तभी पाऊंगा ना जब पीछे से भी कंप्लीट हो जाए, बाकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं हम लेके निकल ही जाएंगे, देख लेंगे अपना सीन जैसा भी बनता है यहाँ तक। बाकी आपने वीडियो देख लिया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कुछ सजेशन मांग रहा हूँ, ये सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी, आप इसमें मेरे को गाइड कर सकते हो कि भाई क्या क्या तरीके से करनी चाहिए। वैसे मैं अनमोल भाई की जो वीडियो थी ना जो अरुण भाई ने कवर करी थी वो वाली वीडियो देखूंगा, उसमें देखूंगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम इन्होंने करा था मतलब कैंपिंग का बनाने के लिए, तो वही थोड़ा बहुत हल्के हाथ से हम भी बना लेंगे जो अपना बजट के अंदर आएगा, बढ़िया फिर इसको ले जाने का सीन बन जाएगा। बाकी जैसा भी होता है आपको अगले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि तबियत हो रही ज्यादा खराब, दवाई लेनी है और सिस्टम ज्यादा हैंग हो जा रहा है। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।